गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। आज सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, एट प्लेनेट, देयर मून, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडी। हमारे सोलर सिस्टम में सन होता है, एट प्लेनेट होते हैं, उनके मून होते हैं, उनके उपग्रह एस्टेरॉइड होते हैं, कॉमेट्स होते हैं और दूसरे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो टू पार्ट्स में होता है, इनर प्लेनेट्स और आउटर प्लेनेट्स। इनर प्लेनेट्स में होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी मरकरी क्या है? प्लेनेट नियरेस्ट सन, सूरज के सबसे नजदीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट, दूसरा सबसे छोटा उपग्रह है, कवर्ड विद क्रेटर, क्रेटर से ढका हुआ है, हैज नो मून और रिंग, और कोई भी मून या इसका रिंग नहीं होता, कोई भी उपग्रह और कोई रिंग नहीं होता इसका। अबाउट साइज ऑफ अर्थ मून, ये अर्थ के उपग्रह के जितना ही होता है, इसका जो साइज होता है वो सूरज धरती का जो उपग्रह है चंद्रमा उसके जितना ही होता है। इसके बाद हमारे था वीनस का सिस्टर प्लेनेट टू अर्थ, इसको धरती की छोटी बहन, सिस्टर प्लेनेट टू अर्थ भी बोलते हैं, पृथ्वी की छोटी बहन बोलते हैं। हैज नो मून और रिंग, इसका कोई भी उपग्रह या इस पर कोई रिंग नहीं है। और थिक एटमोसफियर, इसका जो एटमोसफियर है वहाँ का वो गर्म है और थिक है, घना है। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट स्काई बिसाइड सन एंड मून, सूरज और चांद के बाद में सबसे चमकने वाला ऑब्जेक्ट है स्काई में, और लुक्स लाइक ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार की तरह दिखता है। कवर्ड विद क्रेटर, वोल्केनो और माउंटेन, और ये क्रेटर की से ढका है, वोल्केनो से ढका हुआ है, माउंटेन से ढका हुआ है। अर्थ थर्ड प्लेनेट फ्रॉम सन, सूरज से तीसरे नंबर का प्लेनेट है। ओनली प्लेनेट नोन टू हैव लाइफ एंड लिक्विड वाटर, ऐसा केवल एक ही उपग्रह है जो अभी तक इसके बारे में ज्ञात हुआ है कि इस पे जीवन और पानी द्रव अवस्था में है। ठीक है, अभी तक वैज्ञानिक एक ही उपग्रह को खोज पाए हैं जिसमें लाइफ भी है, जीवन भी है और पानी भी है, वो भी लिक्विड अवस्था में। एटमोस्फेयर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज, यहाँ का जो एटमोस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन मिलती है और ऑक्सीजन और दूसरी गैसें। मार्स, मार्स फोर्थ प्लेनेट है सूरज से, मतलब चौथे नंबर का प्लेनेट है। अपीयर्स एज ब्राइटेस्ट रेडिश कलर इन द नाइट स्काई, रात में जो है ये रेड कलर की तरह दिखाई देता है। सरफेस फीचर्स वोल्केनो एंड ह्यूज डस्ट स्टॉर्म, इसकी जो सरफेस है उसमें बहुत सारे वोल्केनोज हैं और बड़े बड़े धूल के तूफान आते हैं वहाँ। हैज टू मून, इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस एंड डीमोस। इसके बाद बात करते हैं आउटर प्लेनेट्स की। आउटर प्लेनेट्स कंपोज ऑफ गैस, आउटर प्लेनेट जो होते हैं वो ये गैस से बने होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे बात पहले बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन स्काई, सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लेनेट है, 60 प्लस मून, इसके 60 से ज्यादा मून है, 5 विजिबल फ्रॉम अर्थ, तो पांच तो ऐसे है जो अर्थ से ही दिखाई दे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और जायंट रेड स्पॉट्स पे बीच में रेड स्पॉट की है। रिंग्स है थ्री पार्ट, इसके जो रिंग्स है इसके ऊपर, इसके थ्री पार्ट्स हैं, हॉलो रिंग, मेन रिंग और गैसोमर रिंग। इसके बाद मतलब सैटर्न का, सैटर्न का सिक्स प्लेनेट होम तो जिस सूरज से छठे नंबर का प्लेनेट है, ब्यूटीफुल सेट ऑफ रिंग, और इस पे बहुत ही अच्छा रिंग होता है, इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर रिंग होता है। 31st मून, इसके 31 इसके चंद्रमा में 31 उपग्रह हैं। लार्जेस्ट मून है इसका टाइटन, जो सबसे बड़ा इसका उपग्रह, इसका नाम है टाइटन। इजीली विजिबल इन द नाइट, रात में बड़े आसानी से दिखाई दे जाता है। वेगास, एक्सप्लोर सैटर्न एंड यूरेनस, और इसके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके रिंग को। यूरेनस सेवन प्लेनेट फ्रॉम सन, सातवें नंबर का प्लेनेट है ये, हैज अ फेंट रिंग सिस्टम, इसका रिंग सिस्टम होता है, इसके चलो रिंग रिंग होता है, वो बहुत ही फेंट होता है, हल्का होता है, धुंधला होता है। 27 नॉन मून्स, इसके 27 उपग्रह हैं, कवर्ड विद क्लाउड, क्लाउड से ढका हुआ होता है। यूरेनस सिट्स ऑन इट्स साइड विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल स्काई में होता है, और ये नॉर्थ से और साउथ के पोल को चिपका हुआ होता है साइड में। इसके बाद नंबर नेपच्यून का, एट प्लेनेट है सन से, डिस्कवर्ड थ्रू मैस, इसकी जो खोज हुई थी वो मैस के द्वारा हुई थी। सेवन नॉन मून, इसके सात उपग्रह हैं, ट्राइटन लार्जेस्ट मून है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है ट्राइटन। ग्रेट डार्क स्पॉट थ्रू टू बी होल, इसमें एक बहुत ही बड़ा स्पॉट है, इसमें
सिमिलर टू द होल इन द ओजोन लेयर, जैसे कि ओजोन लेयर में होल हो रखा है, जो छेद हो रखा है, ऐसे ही इसके ऊपर भी एक डार्क स्पॉट बना हुआ है जो जिसको माना जाता है कि होल है। इसके बाद आता है ड्वार्फ प्लेनेट, प्लेटो जस को बोना ग्रह भी बोलते हैं, वो बोना है, साइज में छोटा है, तो उसको बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट भी कहते हैं। प्लेटो इज स्मॉल सॉलिड आइस ड्वार्फ प्लेनेट इज स्मॉलर देन अर्थ मून, ये सूरज के उपग्रह से भी, ये धरती के उपग्रह से भी छोटा है, ठीक है, तो इसको ड्वार्फ प्लेनेट भी बोलते हैं, इसलिए इसको सोलर सिस्टम में नहीं रखा जाता, ठीक है। प्लेटो क्या नेवर विजिटेड बाय स्पेस क्राफ्ट, उस पर कभी वो स्पेस क्राफ्ट नहीं गया है। ऑर्बिट्स वेरी स्लो, इसको ऑर्बिट जो बहुत धीरे हैं। मून शैडो इज वेरी क्लोज टू प्लूटो एंड अबाउट द सेम साइज, मून और शैडो जो है उसके सबसे नज़दीक हैं। एस्ट्रोनॉट क्या है, बहुत ही छोटी बॉडी होती है, बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, बिलीव टू बी लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सोलर सिस्टम बिलियंस ऑफ ईयर्स है, वो जो हजारों साल पहले सोलर सिस्टम से चली गई थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। और 1 लाख एस्ट्रोइड हैं जो अभी भी मार्स और जुपिटर के बीच में है, ऐसा माना जाता है। लार्जेस्ट एस्ट्रोइड है ग्रीन डी ओन, ज़्यादातर जो बड़े बड़े एस्ट्रोइड को नाम दे दिया गया है। कॉमेट्स स्मॉल आइसी बॉडी, जो छोटी छोटी आइस की बॉडी होती है कॉमेट कहते हैं, ट्रेवल पास द सन, सूरज के चारों तरफ ट्रेवल करते हैं, ग्लो ऑफ आइस गैस एंड डस्ट, और गैस और डस्ट देते हैं, और जैसे ही निकलते हैं गैस निकालते हैं और डस्ट देते हैं, ठीक है। अब एक राइटिंग एक्टिविटी आप ये कर सकते हो, राइटिंग अ पैराग्राफ अबाउट द सोलर सिस्टम टू 5 फैक्ट कवर्ड इन द दिस, आपको इसके बारे में 5 फैक्ट लिखने हैं सोलर सिस्टम के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।